हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो काइन मास्टर सीरीज़ का ये पार्ट 4 है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप काइन मास्टर में अपने वीडियोस पर इफेक्ट वगैरह को डाल सकते हो, किस तरह से आप ट्रांजैक्शन वगैरह अपने वीडियोस पर लगा सकते हो। तो ठीक है, गाइस अगर आपको काइन मास्टर पर वीडियोज़ को एडिट करना आता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि काइन मास्टर को अभी अभी इंस्टॉल किए हैं। काइन मास्टर से रिलेटेड वो ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं किस तरह से जो है वीडियोस को एडिट किया जाता है, किस तरह से वीडियोस को एक्सपोर्ट किया जाता है। ये अगर छोटी मोटी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को देख सकते हो। इस चैनल पर आपको काइन मास्टर से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी मिलेगी। जो भी सेटिंग्स वगैरह आपको प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है, सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप वीडियोज़ को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप काइन मास्टर में पहली बार न्यू आए हैं तो आप इस चैनल को देख। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है काइन मास्टर में वीडियोस को एडिट कर सकते हैं और काइन मास्टर में अपने वीडियोस पर इफेक्ट वगैरह को डाल सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट को डालने के लिए आपको सबसे पहले मीडिया पर क्लिक करना है और आपको जो है दो वीडियोज़ ले लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर फटाफट से मीडिया पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर दो वीडियोज़ को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक पहला वीडियो ये है, ये वाला दूसरा है। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये एक हमारा वीडियोज़ है और दूसरा वीडियोज़ ये है। ठीक है, ये वाला दो उंगली से आपको जो है छोटा और बड़ा करना होगा। उसके बाद आप देख पा लोगे कि हमारा जो दो वीडियो है जो है मैं यहाँ पर ले लिया। दो वीडियो के बीच में आपको एक ज्वाइन का बटन देखने को मिलेगा जो कि प्लस का आइकन होगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इफेक्ट को डालने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जो भी इफेक्ट है यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप किस तरह से इफेक्ट वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, काइन मास्टर में तो उसके लिए मैं पार्ट 3 बनाया हूँ, तो जाकर उस पार्ट 3 को आप देख सकते हो, जिससे कि आपको नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरह से आप ट्रांजैक्शन वगैरह इफेक्ट वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह को डाउनलोड कर लिया है, तो इस ट्रांजैक्शन को मैं अपने वीडियोस पर अप्लाई करूँगा। किस तरह से लगता है वो मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन है जो कि ये वाला है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन आपको पसंद हो उस पर क्लिक कर सकते हो, और मैं यहाँ पर पहला वाला पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियोज़ है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने वीडियोज़ पर इस तरह के ट्रांजैक्शन वगैरह को डाउनलोड करके अपने वीडियोज़ पर लगाएंगे तो आपका वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से वहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिसको आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर और ट्रांजैक्शन है, उस पर यहाँ पर से सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि फैक्ट वीडियो में ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर आप फैक्ट वीडियोस वगैरह बनाते हो तो आप अपने ये वाला ट्रांजैक्शन आप चूज़ करके लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं यहाँ पर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप जो है वीडियोस पर अलग अलग तरीके से आप जो है ट्रांजैक्शन वगैरह को यूज़ कर सकते हो। जो भी ट्रांजैक्शन आपको पसंद हो वह आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा देखने को लगेगा। ठीक है, इसी के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन मिलेगा। तो ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है उसको आप यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। ठीक है, जितना कम आप करेंगे तो उतना इस स्लो में आपका जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप कर लेंगे उतना जल्दी आपका जो ट्रांजैक्शन वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मिनिमम जो इसका जो ट्रांजैक्शन का जो लेंथ होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 1 ही पे रहने देते हैं। इसको आप जितना चाहो उतना स्पीड इसका कम कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर से अपना स्पीड को मैनेज यहाँ पर से कर सकते हो। तो इसी तरह आप जो है बहुत ही आसानी से अपने वीडियोस पर ट्रांजैक्शन वगैरह को लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको जो अपने वीडियोस पर ट्रांजैक्शन वगैरह को लगाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में भी किसी भी तरह के डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट पर वीडियोज़ जरूर बनाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।